हेलो डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मिताक्षरा स्कूल्स एंड दयाबागा स्कूल्स। आज के इस क्लास में हम उनका बेसिक डिफरेंस करेंगे और ये जो है 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए करते हैं आज का लेक्चर हम स्टार्ट। सबसे पहले स्कूल्स इन कोपाशनरी एंड सक्सेशन, किसका जब बेसिक डिफरेंस की हम बात करेंगे तो वो है कि कोपाशनरी में क्या डिफरेंस है। कोपार्शनरी क्या होती है? कोपार्शनरी का मतलब है शेयर होल्डर्स। एक प्रॉपर्टी है उसके बाय बर्थ जो उसके इनहेरिटेंस राइट्स है, जिनके प्रॉपर्टी में अधिकार है, वो कोपार्शनरी है। कोपार्शनरी जो है ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में होता है, वो सेपरेट प्रॉपर्टी में उसका कोई लेना देना नहीं है। इसे आप डिटेल में तब समझेंगे जब आप सक्सेशन एक्ट का कंसेप्ट करेंगे। कोपार्शनरी क्या है, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी का मैटर, सक्सेशन क्या है, उन दोनों में ही इनमें डिफरेंसेस है। क्योंकि मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ और दयाबागा स्कूल ऑफ लॉ ना मैरिज पे अप्लाई होता है ना मेंटेनेंस पे। पहला, मिताक्षरा की अगर हम बात करें, राइट ऑफ ए सन बाय बर्थ इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑफ हिज फादर। कि मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है, मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ आपको। मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है ये वाली, अब फादर जो है उसका उस प्रॉपर्टी में हक है, ठीक है, और बेटा जो है उसका भी उस प्रॉपर्टी में हक है। इसके बाद अगर बेटे का बेटा आ जाता है, यानी कि सन्स सन आ गया, उसका भी इस प्रॉपर्टी में हक है। तो इन तीनों के क्या हो जाएंगे, इस प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर हो जाएंगे, तीनों को 1/3 शेयर यहाँ पर मिलेगा। ये बात करता है मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ। ये प्रॉपर्टी जो है अनडिवाइडेड है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, हुआ ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करें दूसरे की, दयाबागा की अगर हम बात करते हैं तो दयाबागा हमें कहता है अ सन इज एंटाइटल टू हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ओनली ऑन द डेथ ऑफ द फादर। फादर की अगर डेथ हो जाएगी तभी प्रॉपर्टी का हक होगा। द फादर इज द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन हिज लाइफ टाइम। जब तक फादर जीवित है वो पूरी तरह से उस प्रॉपर्टी का मालिक है। लेकिन मिताक्षरा कहता है कि अगर ये ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, फादर के पास प्रॉपर्टी है, उसका बेटे का जन्म के साथ ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी और पोते की भी आ जाएगी और पड़पोते की भी आ जाएगी, क्योंकि ये 4 जनरेशन तक काम करता है। अब इसमें 2005 के अमेंडमेंट के बाद यहाँ डॉटर भी ऐड हो गई है, तो सन की जगह डॉटर भी है तब भी वो उसमें इंक्लूड हो जाएगी। फिर मिताक्षरा में सन बिकम्स को पार्टनर राइट आफ्टर हिज बर्थ। बर्थ के साथ ही वो हकदार बन जाता है, उसका उस प्रॉपर्टी में राइट दादा के पास भी था, ग्रैंडफादर के पास भी था, और उसके फादर के पास भी वो राइट है, और उसके पास भी 4 पीढ़ियाँ होगी, 4 पीढ़ियों में राइट रहेगा। लेकिन इसमें सिंपल सी बात है, को पार्टनर बाय डेथ ऑफ द फादर उसे मिलेगी, अगर फादर की डेथ होगी तो उसे प्रॉपर्टी मिलेगी। दिस राइट इज नॉट अवेलेबल विद इन द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर ग्रैंडफादर और ग्रैंड ग्रैंडफादर। अगर दादा भी जीवित है, परदादा भी जीवित है, तो वो प्रॉपर्टी का हकदार ऑटोमेटिकली नहीं बन जाएगा। ये यही बात कह रहा है, ठीक है, उसमें तो जैसे ही उसका जन्म हुआ प्रॉपर्टी का हकदार बन जाएगा, 4 पीढ़ियों में को पार्टनरी का रोल अप्लाई होता है। Everyone is entitled to the property as a unit. हर एक व्यक्ति जिसका वहां जन्म हुआ है, जो शेयर होल्डर है, जो को पार्टनर है, उसका राइट होगा। देयर शेयर आर नॉट डिफाइंड। हालांकि ये उसमें फिक्स नहीं है कि उनको 1/3 मिलेगा, 1/4 मिलेगा, लेकिन उनका राइट होगा। दे हैव ओनली द कमोडिटी ऑफ ओनरशिप। उनके पास उनका सिर्फ मालिकाना हक होगा, लेकिन अभी तक फिक्स डिवाइड नहीं होगा कि कितना राइट है। देयर इज ज्वाइंट टेनेंसी। ज्वाइंट टेनेंसी का मतलब उनके राइट ज्वाइंट है। जैसे कहते हैं ना कि हमने इंतकाल करवाना है, डेथ होगी है फादर की, या हमने बंटवारा करवाना है, पार्टीशन करवाना प्रॉपर्टी का, और हम फिर जमाबंदी करवाते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। अगर आपने अभी तक आपकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो आपका ये फिक्स नहीं है कि कितना शेयर मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, हर एक का शेयर डिफाइन होता है कि फादर की डेथ होगी तो हर एक व्यक्ति को इतना इतना शेयर मिलेगा ही। देयर इज ए टेनेंसी इन कॉमन। तो इसमें कॉमन टेनेंसी की बात होती है, इसमें ज्वाइंट की बात है। मिताक्षरा में क्या है, एक व्यक्ति कभी भी अपना शेयर तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता, थर्ड पार्टी को, लेकिन इसमें कर सकता है। सिंपल सी बात, ज्वाइंट प्रॉपर्टी कैन बी पार्टीशन। ज्वाइंट प्रॉपर्टी को बंटवारा करवाया जा सकता है। इन दैट केस, उस सिचुएशन में इट विल बी पार्टीशन एज इट वॉज इन केस ऑफ फादर। ये उसी प्रकार से बंटवारा होगा जैसे कि उसके फादर के पास प्रॉपर्टी होगी। एज द शेयर आर डिफाइंड, जैसे कि दयाबागा में शेयर पहले से फिक्स है कितना हिस्सा मिलना है, हर एक व्यक्ति इजिली उसमें पार्टीशन करवा सकता है। मिताक्षरा में प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज हिंदू इज पार्टीशन इंटू 2 वेज। 2 प्रकार से प्रॉपर्टी बंटवारा होता है। पहला, अनसेस्ट्रल विरासती प्रॉपर्टी अगर है, सेपरेट प्रॉपर्टी अगर कोई है। अगर किसी ने खुद परचेज किए प्रॉपर्टी अपनी कमाई से, उस प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा, सक्सेशन एक्ट अप्लाई हो जाएगा।
अंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा वो मिताक्षरा बताएगी। इसमें दो प्रकार की प्रॉपर्टी होते हैं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी और सेपरेट। इसमें ज्वाइंट सेपरेट का है, इसमें एंसेस्ट्रल और सेपरेट का है। द डिसेंडेंट का मतलब है जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे। फिर इसमें है, इसी का ही पार्ट है ये, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज पार्टीशन इन अकॉर्डिंग रूल ऑफ सर्वाइवरशिप। ये पहले होता था रूल ऑफ सर्वाइवरशिप का मैटर, लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट के आने के बाद ये खत्म हो चुका है। अगली बात, अगर कोई पास के संबंधी उत्तराधिकारी जो है वो उनमें कोई कमी है, जैसे किसी ने मर्डर कर दिया अपने फादर का, तो वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। क्लोज हेयर है या ब्रदर है या इमीडिएट सर्वाइवर है वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर जाएंगे, लेकिन वाइफ को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, मिताक्षरा लॉ कहता है। लेकिन अब तो 1956 का एक्ट आ गया, तो मिताक्षरा का ये पॉइंट क्या है, नल एंड वॉइड हो जाता है। इसमें अगर कोपार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसकी जो विधवा है, विडो है, उसको वो राइट मिलेगा, न कि पास के संबंधियों को। पहले क्या होता था कि हस्बैंड की डेथ होगी, उसकी वाइफ को राइट नहीं मिलता था, उसके ब्रदर को राइट मिलता था। द ऑर्डर ऑफ हेयर इज डिसाइडेड बाय नियरनेस। इसमें क्या है कि हेयर कौन बनेगा, प्रॉपर्टी का हकदार कौन होगा, ब्लड रिलेशन के हिसाब से डिसाइड होता था। लेकिन अब तो 1956 का हिंदू सक्सेशन एक्ट आ गया, तो ये कहानी खत्म कर दी गई है। इसमें द ऑर्डर ऑफ हेयर इज डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंस टू ऑफर, कि जो व्यक्ति पिंड दान करेगा उस मृत व्यक्ति का, उसे कोई प्रॉपर्टी का अधिकार मिलेगा। तो ये जो है स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, इस पर 20 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और 5 नंबर के टुकड़ों में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सोर्सेज हो गया, स्कूल्स हो गया, इनको 5-5 नंबर के हिसाब से भी तैयार करके रखो और 20 नंबर के हिसाब से भी तैयार करके रखो। ये जितना मैटर मैंने इन 4 वीडियो में आपको करवाया है, इससे आपका स्कूल्स और सोर्सेज वाला क्वेश्चन 20 मार्क्स का तैयार हो जाता है। इसको अच्छे से डिटेल से कर लेना, इससे बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपने डिफरेंसेस लाइंस बना के टेबल बना के करना है, तो किसी प्रकार के मार्क्स कटने के भी चांसेस नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।